हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम प्रोजेक्ट प्लानिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं उसके बारे में भी हम क्या करेंगे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट प्लानिंग किसी भी प्रोजेक्ट के इस्टेब्लिशमेंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसे बहुत अच्छे तरीके से हमें करना चाहिए ताकि क्या हो सके हमारे प्रोजेक्ट प्रॉपर्ली इस्टेब्लिश हो सके और हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हम उससे कैलकुलेट कर सकें, क्योंकि हमें टारगेट अचीव करना है। अगर प्रॉपरली प्लान रहेगा तो हम टारगेट इजीली अचीव कर पाएंगे और साथ ही साथ हम प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं या प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट प्लानिंग जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के सेटअप को। तो आइए देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो लो एजुकेशनल लेवल तथा एक्सपीरियंस की कमी के कारण छोटे एंटरप्रेनर प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए प्रायः एडवाइज़र तथा पारिश्रमिक देने वाले पेशेवर विशेषज्ञों पर निर्भर रहते हैं। माने जो एडवाइजिंग या फिर सपोर्टिंग स्टाफ रहते हैं जो इस टाइप के एडवाइसेस देते हैं उनसे क्या करते हैं वैसे स्पेशलिस्ट से क्या करते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। वे प्रोजेक्ट के विस्तृत विवरण को समझ नहीं पाते हैं। इस प्रकार निम्न श्रेणी के प्लानिंग के कारण या लोअर लेवल के प्लानिंग के कारण प्रोजेक्ट में एक्सपेंडिचर तथा इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हो जाती है। दूसरों पर निर्भर रहने के कारण प्रोजेक्ट का सही ढंग से एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता जिससे वह अधिक कठिनाई में आ जाती है। तो ये डिफरेंट कुछ है, क्योंकि अगर कई बार एजुकेशनल लेवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के एंटरप्रेन्योर का होता है तो क्या होता है कि हम वहाँ पर प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए हम क्या करते हैं किसी एक्सपर्ट या फिर किसी एडवाइज़र पर हम क्या करते हैं जो एक्सपर्ट एडवाइज़र हो जाएं जो पैसे लेकर आपको एडवाइस करने के लिए या फिर आपको सजेस्ट करने के लिए काम करते हैं उन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन वो भी क्या है आपको प्रोजेक्ट ऐसे बताते हैं कि आप कुछ प्रोजेक्ट को ठीक से समझ भी नहीं पाते और आपका यहीं पर मिसकम्युनिकेशन हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है और आपका पैसा भी लग जाता है इसमें, जिससे क्या हो जाता है आपके प्रोजेक्ट में जो इस्टेब्लिशमेंट का जो लागत है वो भी बढ़ जाता है। और साथ ही सही तरीके से क्या होता है आपके प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन या एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता जिससे क्या होता है आप अलग से ज़्यादा कठिनाइयों में आ जाते हैं। तो परियोजना के उचित नियोजन या प्रोजेक्ट के प्रॉपर प्लानिंग न होने का प्रमुख कारण मेन जो रीज़न है उचित आंकड़ों का अभाव, माने बेस्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स का डिफिशेंसी होना या कमी होना, लघु उद्योग से संबंधित संपूर्ण जानकारी किसी भी रिसोर्स से उपलब्ध नहीं होते हैं, एस्टिमेशन और प्रिडिक्शन पूर्ण आंकड़ों के आधार पर लगाए जाते हैं, सर्वे का संचालन सही ढंग से नहीं होता है, आंकड़ों का कलेक्शन जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स का जो कलेक्शन करने हेतु कोई निश्चित या नियमित तथा व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं होती, माने फिक्स्ड रेगुलर एंड अरेंज प्रोसेस नहीं होती है, तीव्र गति से प्रगति करने के लिए निर्णयों को कुछ को लेने हेतु सूचनाओं को तिथि पर्यंत रखे जाने की व्यवस्था त्रुटिपूर्ण होती है। मैंने आपको प्रोसेस जो है फास्ट करना है करके आप क्या करते हैं जो इन्फॉर्मेशंस एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स का जो कलेक्शंस हैं और जो डिसीजन आप लेते हैं उसके लिए क्या है जो है आप जो है उसके लिए प्रॉपर ड्यूरेशन आप मेंटेन नहीं करते हैं जो क्या करता है आपके लिए एरर जनरेट करता है। तो एंटरप्रेन्योर को एक उचित तथा सक्षम योजना बनाना चाहिए जो उसे उद्योग प्रारंभ होने से लेकर सफलता प्राप्त कर
लेने तक के बीच में आने वाली बाधाओं और चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता तथा लाभप्रदता के शिखर पर ला खड़ा करें। किसी प्रोजेक्ट प्लानिंग में किन एलिमेंट्स का समावेश होना चाहिए? दरअसल इसमें किसी विशेष प्रोडक्ट अथवा सर्विसेज की आवश्यकता या सोचा समझा एनालिसिस होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसमें मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीगल फॉर्मेलिटीज, फाइनेंस एवं डॉक्यूमेंटेशन जैसे इम्पॉर्टेंट एरिया के लिए भी पॉलिसीज एवं स्ट्रेटजीज का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। निकोलस सरपोलिस के अनुसार किसी सुघड़ परियोजना नियोजन में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर होने चाहिए। मैं क्या चाहता हूँ और मैं क्या करने में सक्षम हूँ। सेकंड जो है लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मुझे कौन से सर्वोत्तम ढंग अपनाने चाहिए। एंड थर्ड जो है भविष्य में मैं क्या अपेक्षा कर सकता हूँ। तो इन तीन तीन क्वेश्चंस के बारे में आपको ढूंढना होता है प्रोजेक्ट सिलेक्शन के लिए। और ये किसके अनुसार है? निकोलस सरपोलिस के अनुसार इसे प्रोजेक्ट प्लानिंग को क्या किया गया, परिभाषित किया गया है। देन नेक्स्ट जो है उसमें हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट प्लानिंग महत्वपूर्ण टूल है होती है किसी भी प्रोजेक्ट के फ्यूचर की, जो सक्सेसफुल के पीछे किसी ठोस प्लान का बेस होता है। अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट प्लानिंग सड़क के एक नक्शे के समान होती है जो एंटरप्रेन्योर को इस बात का गाइडलाइन देती है कि ए से लेकर जेड तक पहुंचने का बेस्ट वे क्या है। प्लानिंग में डिसीजन लेना शामिल होता है, अर्थात क्या किया जाए, जब कब किया जाए और कहाँ किया जाए और कैसे किया जाए। एंटरप्रेन्योर को प्रोजेक्ट प्लानिंग बनाने में सहायता देने वाली अनेक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हैं। ऐसे एंटरप्रेन्योर जो ठोस प्लान बनाने में अनकैपेबल होते हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर सजेशन इंस्टीट्यूशन या एडवाइजरी इंस्टीट्यूशन, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट सेंटर अथवा स्मॉल स्केल सेवा संस्थाओं से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। ये सभी संस्थाएं एंटरप्रेन्योर को फिजिबिलिटी रूप से ठोस परियोजना नियोजन करने में सहायता देती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो प्रोजेक्ट प्लानिंग से रिलेटेड जो आती हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।